वाल्मीकि रामायण में हम लोग बालकांड में 35वां अध्याय करेंगे। इसमें सोनभद्र पार करके, सोन नदी पार कर विश्वामित्र राम और लक्ष्मण के साथ गंगा के तट पर पहुंचते हैं। जब गंगा के तट पर पहुंचेंगे, असल में क्या है, आप लोग अगर नक्शा देखें तो पटना से थोड़ा और पश्चिम अगर देखें, छपरा के आसपास, छपरा उधर सोनपुर पटना, तो कहते हैं सरयू नदी है, सोन नदी है, गंगा नदी है। पटना आते आते तीनों नदी मिल जाती हैं। वाल्मीकि जी का आश्रम सोन नदी के पास कहीं पर था, अलग अलग लोग अलग अलग जगह कहते हैं कि आश्रम था। तो जैसे जैसे साथ जा रहे हैं, विश्वामित्र कहानी सुना रहे हैं श्री राम और लक्ष्मण को। यहां पर एक बात आपको फिर से याद दिला दें, हम लोग शुरू में आलोचना किए थे कि वाल्मीकि रामायण शास्त्र की दृष्टि से इतिहास पुराण श्रेणी में आता है, और हम लोगों ने शुरू में व्याख्या की थी कैसे हिंदू धर्म सनातन धर्म है, सनातन सत्य पर प्रतिष्ठित है, लेकिन सत्य मात्र अगर आप लोगों तक पहुंचा दें तो लोग सब बात नहीं समझ सकते हैं। अलग अलग लोगों की मानसिकता अलग अलग होती है, और अलग मानसिकता के कारण समझाने का तरीका भी अलग होना चाहिए। तो कुछ लोग कथा कहानी के माध्यम से सत्य को अधिक अच्छी तरह से समझते हैं, और दूसरी बात है कि कोई भी पुरानी सभ्यता, कोई भी उच्च सभ्यता, इसमें बहुत सारी कहानियां रहती हैं। जैसे कोई भी पुरानी सभ्यता अगर आप देखते हैं, जैसे बहुत प्रसिद्ध है ग्रीक मिथोलॉजीज, यूनान देश ग्रीक, वहां कहानियां ही कहानियां हैं, नाम ये ग्रीक मिथोलॉजीज, और इलियाड ओडिसी इतने प्रसिद्ध महाकाव्य हैं वहीं के। तो जो पुरानी सभ्यताएं हैं, चीन में भी बहुत सारी कहानियां हैं, भारत कहानियों का ही देश है। तो दूसरी जगह कहानियां मनोरंजन के लिए कही जाती हैं, जैसे यूरोप आदि में भी फेरी टेल्स हैं, सिंड्रेला आदि की कहानी आपने पढ़ी होगी, सुनी होगी। अधिकतर जगह कहानी कहानी के रूप में है, लेकिन भारत में कोई भी चीज, जैसे ही एक किसी भी नवीन चीज को जब यहाँ के लोग देखते हैं, जैसे पहाड़ है, नदी है, या कोई कृति है, कुछ भी है, तो तुरंत उसे धर्म के साथ जोड़ देते हैं। भारतीय परंपरा में जो भी कहानी रही है उसको ऋषिगण धर्म के साथ जोड़ दिए। इतिहास, इतिहास का अर्थ है जो पुरानी कहानी है, और पुराण को बोलते हैं पुरानी कहानियां जो आज भी नई है, यानी अभी भी चलती है। ऐसा नहीं कह देते पुरानी कहानी है इसको उड़ा दो। और इन दोनों का, इतिहास और पुराण, दोनों का उद्देश्य है कि ये जो पुरानी कहानियां हैं इसके माध्यम से साधारण जन तक धर्म की शिक्षा पहुंचा देना। और धर्म का अर्थ है चार पुरुषार्थ, धर्म अर्थ काम मोक्ष, यहां तक पहुंचा देना। अभी हम लोग जहां जिस जगह पर हैं, मूलतः यहां पर दो तीन कहानियां हैं। एक है गंगा जी की उत्पत्ति के बारे में, दूसरा है समुद्र मंथन के बारे में, और तीसरा इंद्र की एक कहानी है। तो यद्यपि ये कहानी आप लोग जानते हो, तो रामायण भी आप लोग जानते हैं। वाल्मीकि जी ने इसका जैसा वर्णन किया है, हम लोग वैसा ही इसको देखेंगे। अन्य अन्य जगह जब आपने जैसे बचपन में अमर चित्र कथा अगर पढ़ी होगी, कहानी दूसरी तरह से देखी होगी, सीरियल में किसी और तरह से देखा होगा, और इसी चीज को जब आप महाभारत में पढ़ेंगे या दूसरे पुराण में पढ़ेंगे तो दूसरे तरीके से पढ़ेंगे। तो यहां पर बोल रहे हैं कि रामचंद्र जी लक्ष्मण के साथ, विश्वामित्र के साथ संग चले, तो बोलते हैं कि अब सोन नदी, सोनभद्र नाम है, सोन नदी के किनारे किनारे चल रहे हैं। तो कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी ने इतना पानी कभी देखा ही नहीं है, तो बोलते हैं सोनभद्र को हम लोग पार कैसे करेंगे।
तो कहते हैं कि देखो महर्षिगण सोन नदी को जिस प्रकार पार करते हैं, जब सोन नदी को पार करेंगे, गंगा पार करेंगे, तब मिथिलांचल शुरू हो जाएगा। ये लोग जा रहे हैं मिथिला में राजा जनक के यहाँ, एक बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है उसे देखने के लिए। तो बोलते कि मैंने निश्चय करके रखा है। तो वो जब चलना शुरू करते हैं धीरे 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 गंगा किनारे पहुँचते हैं, और चाहे जिस नदी के बारे में आप बात करें, लेकिन गंगा के सामने बाकी नदियां सभी बची हैं। और गंगा नदी वहां पर बोलते हैं कि ताम दृष्ट्वा पुण्य सलीलाम हंस सारस सेविताम, हंस और सारस से सेवित गंगा नदी के दर्शन करते हैं। तो हमारे एक मित्र ने कहा कि गंगा नदी में तो हमने कभी हंस और सारस नहीं देखा है, ये तो दूसरी जगह रहते हैं। लेकिन खैर वाल्मीकि जी ने जैसा कहा है, या हो सकता है पहले के समय में रहते हों, और बहुत सारे पक्षी हैं जो नदी के किनारे रहते हैं, लेकिन साधारणतः सारस आदि ये तालाब के जल में रहते हैं। खैर वाल्मीकि जी ने जब ऐसा कहा है तो होते होते श्री राम पूछते हैं कि यह गंगा नदी की कहानी क्या है, कैसे घूमते घूमते समुद्र में जाकर मिलती है। तो पहले के ऋषिगण जैसे वेद आदि भी जानते थे, उपनिषद आदि भी जानते थे, लेकिन साथ में ये पुरानी कहानियाँ भी जानते थे। और जब इनको पूछा जाता था, हम लोग जब भी भागवत आदि देखते हैं या कोई भी पुराण देखते हैं, उसमें देखते हैं कि कैसे कोई ऋषि आकर के कहानी सुना रहे हैं। तो कहते हैं कि हे राम, हिमवान नामक एक पर्वत है। हिमवान को प्राय हिमालय के साथ जोड़ा जाता है। तो कहते हैं सब पर्वत का राजा है, सब प्रकार के यहाँ धातु हैं, और इनकी दो कन्या हैं जो बहुत सुंदर हैं। और मीना, मीना हिमवान की स्त्री है। ये हिंदू परंपरा है, हम लोग किसी भी चीज़ को जब देखते हैं, चाहे हिमालय पर्वत हो चाहे गंगा नदी हो, तो पहले उसे मनुष्य या देवी देवता का रूप दे देते हैं, और फिर उसे शादी करवा देते हैं, और शादी करवाने के बाद उसके बच्चे भी हो जाएंगे। तो हिमालय पर्वत है वो हो गया हिमवान, उसकी एक पत्नी आ गई मीना, और उसकी अब दो कन्याएँ आ गई गंगा उमा। गंगा बड़ी है, उमा छोटी है। तो यही कहते तस्याम गंगेयम अभवत ज्येष्ठा हिमवता सुता, गंगा बड़ी है और उमा छोटी है। कहते हैं कि देवता लोगों ने हिमवान से आकर कहा कि स्वर्ग लोक के लिए हमें गंगा चाहिए। तो त्रिभुवन के हित की रक्षा के लिए हिमवान ने गंगा दे दिया। आप लोग हिंदी भाषा से अगर परिचित हों तो आकाश में जिसे मिल्की वे कहते हैं, हिंदी में इसे आकाश गंगा कहते हैं। लोग देखते थे वो बिल्कुल एक नदी के समान है। हम लोग आकाश गंगा में ही हैं, हम लोग ये जो मिल्की वे है उसी में एक छोटा सा तारा है सूर्य, और वहीं पर हम लोग एक सामान्य से ग्रह पृथ्वी पर हैं, आकाश गंगा कहते थे। तो लोगों का मानना था कि वही गंगा नदी है। यह सब लोक कथा है। यहाँ पर प्राय लोग कहते हैं कि इसकी वैज्ञानिक व्याख्या क्या है, अरे कोई वैज्ञानिक व्याख्या नहीं है। इनका उद्देश्य है जो कहानी दादी नानी बच्चों को सुनाती थी, उन कहानी को पकड़ लो, पकड़ करके उसके माध्यम से धर्म अर्थ काम और मोक्ष की शिक्षा दो। तो कहते हैं कि यह उमा शैल दुहिता हिमालय पुत्री हैं, और बहुत उत्तम और कठोर व्रत करके हुए इन्होंने तपस्या की, और उग्रम सुब्रतम आस्थाया तपस्तेपे तपोधना। वाल्मीकि रामायण की विशेषता है बात बात में तपस्या को ले आते हैं।
हम लोगों ने शुरू में एक बार आलोचना की थी, भारत का जो धर्म जीवन है तपस्या पर आधारित है। वेद में तपस्या को बहुत सम्मान दिया गया है, इसलिए भारत में सब कुछ को हम लोग तपस्या की दृष्टि से देखते हैं। हम लोगों के पास प्राय लोग आते हैं जीवन की समस्याओं को लेकर के, किसी को नौकरी नहीं है, किसी की नौकरी चली गई है, किसी की शादी नहीं हो रही है, किसी की शादी टूट रही है, किसी को पैसा नहीं है, किसी का पैसा चला जा रहा है, किसी के घर में मृत्यु है, किसी के घर में रोग शोक है। सब लोग आते हैं, सोचते हैं कि साधु संत महात्मा हैं, ये अगर अपना वरद हस्त हमारे स्तर पर रख दें, हमारी समस्या का समाधान हो जाएगा। हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग कैसे समझाएं कि देखिए हमारे इष्ट श्री राम कृष्ण, उनको कैंसर था और महासमाधि में जब उन्होंने देह त्याग किया, उसके पहले तक उनका शरीर पूर्ण रूप से जीर्ण शीर्ण हो चुका था कैंसर के कारण। स्वामी विवेकानंद, उन्होंने भी महासमाधि में अपने शरीर को त्याग दिया, उस समय करीबन उनके शरीर में 40 रोग थे। अब हम कहां आपका सर ठोक दें कि आपका रोग शोक चला जाए। हमारे पास खुद धन नहीं है, हम कहां से आपको आशीर्वाद करें कि आपको धन हो जाए। हमको खुद बीवी बच्चा नहीं है, हम कहां से आपको आशीर्वाद कर देंगे आपको बीवी बच्चा हो जाए। उपाय क्या है? मैं कहना यह चाहता हूं कि आप जिस तरह से एक सहज उपाय खोज रहे हैं कि बस चुटकी में, कहते हैं रंग लगे ना फिटकरी, हल्दी लगे ना फिटकरी, रंग आए चोखा, बिना कुछ किए ही चोखा रंग बहुत सुंदर रंग आ जाए, ऐसे नहीं होता है। जीवन में किसी भी चीज को अगर आप पाना चाहते हैं, कोई भी चीज पाना चाहते हैं, आपको तपस्या करनी पड़ेगी। क्या चाहते हैं आप जीवन में, आप क्या चाहते हैं, तपस्या करनी पड़ेगी आपको। पहली कहते हैं छात्राणाम अध्ययनम तपः। आप छात्र हैं, अध्ययन ही आपके लिए तपस्या है, आप तपस्या कीजिए। आपने शादी की है, तपस्या कीजिए शादी को लेकर के। यानी पति जब पत्नी को सहन कर रहा है वह एक तपस्या है, पत्नी जब पति को सह रही है वह एक तपस्या है। अगर आप तपस्या नहीं करते हैं, इस शादी को तो टूटना है, कोई कुछ नहीं कर सकता इसमें। जब आपको धन संपत्ति चाहिए, आपको तपस्या करनी पड़ेगी। जो कुछ भी है, आपको तपस्या करनी पड़ेगी। और इस तपस्या के बावजूद अगर आपको नहीं मिलता है, तो समझिए कि आपके भाग्य में नहीं है, नहीं हो सकता है, या आपके लिए है ही नहीं, ये चीज है ही नहीं आपके लिए। बाद में हम लोग देखते हैं कि हमारे पुराणों में, हमारे इस तरह के ग्रंथों में कैसे दिखाते हैं कि कोई व्यक्ति एक विशेष उपलब्धि चाहता है, साधारण जीवन नहीं, विशेष उपलब्धि, तो वह ब्रह्मा हो, विष्णु हो, शिव हो, इनकी तपस्या में लग जाता है। साधारणतः हिंदू लोगों का धर्म है, आपको जो चीज चाहिए आप उसी को लेकर साधना कीजिए, उसी को लेकर तपस्या कीजिए। लेकिन साथ में यह भी आता है कि कभी कभी बहुत विशेष चीज, जैसे विद्या, हमारे वेद के वेद की परंपरा में एक कहानी आती है कि याज्ञवल्क थे, उन्होंने अपने गुरु को त्याग दिया, अब उनको संपूर्ण वेद का ज्ञान चाहिए था। आपको अगर ज्ञान चाहिए, छात्राणाम अध्ययन तप, आप अध्ययन कीजिए, वही आपके लिए तपस्या, आपको ज्ञान प्राप्ति होगी। लेकिन अगर आपको एक उद्भट, एक अतुल ज्ञान चाहिए, संपूर्ण वेद का ज्ञान चाहिए बिना गुरु के, तब तो आपको उग्र तपस्या करनी पड़ेगी। याज्ञवल्क्य ने यही किया,
उग्र तपस्या। रावण के बारे में यही कहते हैं, उग्र तपस्या की कि उसे कोई नहीं हरा सकता है। भस्मासुर आदि की जो कहानी है, उग्र तपस्या। यानी हमारी उपलब्धि दो प्रकार की है। पहली उपलब्धि है जीवन जिस तरह से संचालित होता है, केवल उतना ही मुझे चाहिए, लेकिन उसमें भी आपको तपस्या चाहिए और उस विषय पर आधार करके। लेकिन कभी कभी जब आपको बहुत बहुत विशेष कुछ चाहिए जो साधारण जीवन से हटकर है, उसमें फिर भगवान की आराधना करनी पड़ती है, तपस्या करनी पड़ती है। और वह तपस्या कभी कभी बिना किसी उद्देश्य के होता है। जैसे साधु महात्मा सन्यासी, ये लोग जब तपस्या करते हैं इनका कोई उद्देश्य नहीं रहता है। आत्मोपलब्धि, आत्मज्ञान, ईश्वर दर्शन या कोई उद्देश्य नहीं है, क्योंकि आत्मज्ञान और ईश्वर दर्शन यह आपका स्वरूप है। तो इसमें धीरे 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 तपोबल सृष्टि होती है। जिनमें यह तपस्या का बल होता है, कहते हैं कि आप इससे सोच सकते हैं कि किसी भी चीज का आप जब संचय कर रहे हैं, बूंद बूंद करके बाल्टी में पानी भर रहे हैं, बाल्टी भर जाएगी। आप एक एक पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, धन इकट्ठा हो जाएगा। उसी तरह से आप बिना किसी उद्देश्य के तपस्या किए चले जा रहे हैं, तपोधन बढ़ जाएगा। ये तपोधन जब बढ़ जाएगा, इस तपस्या से, इस धन से आप कुछ भी कर सकते हैं। यहां तक कि आप ईश्वर दर्शन तक कर सकते हैं। उमा देवी तपस्या में, ध्यान में डूबी हुई है। क्या उद्देश्य है? कुछ नहीं, बस मन को एकाग्र कर, बिल्कुल एकाग्र कर तपस्या रहते हैं। बाद में तुलसीदास जी ने इन कहानी को एक अलग तरीके से उन्होंने गूथ दिया। हम लोग यहां देखते हैं वाल्मीकि रामायण में कि शिव और सती की कहानी नहीं आती है। लेकिन शिव और सती की कहानी भागवत पुराण में आती है। यहां पर हम लोग देख रहे हैं उमा तपस्या कर रही है। तो तुलसीदास जी ने क्या कि इसके पहले भी हमने देखा, वहां पर कहते हैं कि शिव यहां पर तपस्या क्या करते थे। तो तुलसीदास जी सब चीज को एक साथ लेकर के गूंथ दिया कि सती के मर जाने के बाद शिव जी ध्यान में बैठ गए, उधर उमा तपस्या कर रही थी कि उन्हें शिव को चाहिए। नारद मुनि ने उन्हें बतला दिया था कि शिव ही तुम्हारे लायक है। उमा घनघोर तपस्या कर रही है। अब इस तपस्या को कैसे सफल किया जाएगा? तो कामदेव जाके वाण मार दे। इसके पहले हम लोगों ने देखा कैसे कामदेव को भस्म कर दिया। सब कहानी को तुलसीदास जी अपने अनुसार गूंथ दिए। वाल्मीकि रामायण में ये सारी कहानियां स्वाधीन रूप से हैं। तो कहते हैं कि गिरिराज, हम लोग अभी भी जब बंगाल में जब दुर्गा पूजा करते हैं, हम लोग उसी तरह से देखते हैं कि पार्वती हिमालय की पुत्री हैं, जो कि दुर्गा सप्तशती में भी आता है। तो कहते हैं कि इतनी तपस्या की है उमा, गिरिराज ने उसे शिव जी को ब्याह में दे दिया। तो कहते हैं कि ये दोनों, गंगा और उमा, जिसे हम लोग पार्वती, दुर्गा, इन सब नामों से जानते हैं, कहते हैं कि सारा संसार इनके लिए, सारा संसार बने भारतवर्ष, मस्तक इनके चरणों में झुकाता है। गंगा, दुर्गा, इस दोनों को अगर मिला दें तो देवी में ये दोनों प्रधान हैं, जिनके चरणों में सभी अपना सर झुकाते हैं। तो कहते हैं कि एक तरफ हम लोगों ने पहले पढ़ा कैसे शिव तपस्या कर रहे थे, और अब हम लोग देखते हैं कि उमा कैसे तपस्या कर रही थी। फिर हम लोग देखते हैं कैसे उमा की शादी शिव के साथ कर दी गई। रामचंद्र जी और भी जब पूछते हैं गंगा के बारे में, तो गंगा और उमा की कहानी ना जुड़ी हुई है।
ये सब पुरानी कहानियां और आप लोगों को पता होगा कि जैसे कि मान लीजिए आप चुटकुला कुछ सुनते हैं अकबर बीरबल, तो वही कहानी अकबर बीरबल की कहानी जब दक्षिण भारत में जाएंगे तेनाली रामा पर आ जाती है, कहानी बदल जाती है। बंगाल में आएंगे गोपाल भाड़ पर, कहानी थोड़ी सी बदल जाती है। उसी तरह से ये कहानियाँ बदल गई हैं। तो एक पुराण में थोड़ा एक तरह से देखिएगा, महाभारत में थोड़ा दूसरे तरह से, रामायण में तीसरे तरह से, रामचरितमानस में चौथे तरीके से। कहते हैं कि उमा देवी की शादी हो गई शिव के साथ, और शिव नीलकंठ, यहाँ पर इनका नाम नीलकंठ आ गया है, यहाँ पर कहते हैं शितिकंठ, बाद में फिर कहानी आएगी नीलकंठ क्यों है। तो कहते हैं कि उमा के साथ रति क्रीड़ा करते करते 100 दिव्य वर्ष बीत गए। 100 दिव्य वर्ष कहते हैं देवताओं का वर्ष, और देवताओं का वर्ष होता है मनुष्य का एक वर्ष, देवताओं का एक दिन होता है, और एक रात देवताओं का, फिर एक रात। तो यानी दिन और रात मिला करके हमारा 2 वर्ष, हमारा जो 24 घंटा है, सॉरी देवताओं का 24 घंटा हमारे लिए एक वर्ष है। इस तरह से देवताओं का 100 साल जोड़ लीजिए, अब अपना हिसाब कर लीजिए कितना दिन होता है। तो कहते हैं कि इतने दिन तक शिव और पार्वती दोनों की रति क्रीड़ा होती रही शिव पार्वती के साथ। तो बाद में कहीं कहीं है कहानी में, लेकिन कालिदास उन्होंने जब कुमार संभव की रचना की तो उसमें इस चीज़ को उन्होंने बहुत दूर तक खींचा कि कैसे शिव और पार्वती रति क्रीड़ा कर रहे हैं, रति क्रीड़ा कर रहे हैं। लेकिन हम लोग जिसे संभोग कहते हैं, जहाँ पर कि संतानोत्पत्ति के लिए जो होता है यह नहीं हो रहा है, शिव अभी तक नहीं कर रहे हैं, यानी एक दूसरे के साथ सब कुछ कर रहे हैं लेकिन वास्तव संभोग नहीं हो रहा है। तो कहते हैं कि ये सब देख करके दूसरी जगह फिर कहानी बदल जाती है। वहाँ पर कहना है देवताओं को एक सेनापति की आवश्यकता थी, तो उन्होंने कहा कि बस एकमात्र शिव हैं जिनको इतनी शक्ति है, उनका उनकी जो संतान होगी। अब देवता लोग घबरा गए, वो लोग घबरा करके कहते हैं कि अरे ये 100 साल से इस तरह से रति क्रीड़ा कर रहे हैं लेकिन संभोग नहीं है। अब इनका यह जो तेज होगा अपने को जो धारण किए हुए दोनों, लेकिन प्रेम कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं लेकिन वास्तव संभोग नहीं है, वीर और रज का मिलन नहीं है। तो कहते इससे जो संतान की उत्पत्ति होगी उसका जो तेज होगा उसे तो कोई धारण ही नहीं कर सकेगा, वह क्या होगा, ये संसार जल जाएगा। तपस्या है ना, तपस्या की शक्ति। तो सब देवता शिव के पास गए, जाके हाथ जोड़ के बोले कि हे शिव, आप इस तरह से जो तेज धारण किए हुए हैं, अब अगर इससे संतान हुई तो पृथ्वी से धारण नहीं कर सकेगी, यह बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे कि हम लोगों को एक कहानी लग रही है, कहानी नहीं है, यहां एक संदेश दिया जा रहा है। क्या साधारणतः लोग जब शादी करते हैं तो उन्हें लगता है कि उन्हें संभोग करने का अधिकार मिल गया है, लाइसेंस मिल गया है, यहां पर संभाला जा रहा है कि नहीं, अगर तुम्हें संतान चाहिए तो संतान तुम्हें अच्छी चाहिए, अच्छी संतान जिसमें शक्ति हो, बल हो, तो तुमको अपने को संभाल के रखना पड़ेगा, तपस्या करो, ब्रह्मचर्य पालन करो, करते करते पूजा पाठ करो, तब जो संतान जन्म लेगी, जो लड़की या लड़का जो भी उत्पन्न हो उसमें शक्ति होगी। इस साधारण बात को बतला रहे हैं, साधारण तो इसलिए सब जगह माना जाता है कि जो पहली संतान होती है लड़का लड़की जो भी हो उसमें तेज अधिक रहता है साधारणतः। और मनुस्मृति आदि में बार बार कहा गया है कि देवताओं की प्रार्थना करके ही संतानोत्पत्ति करनी चाहिए, उससे उसमें
संतान में तेज शक्ति रहती है। इसको बहुत सुंदर तरीके से यहाँ कहानी में बतला रहे हैं कि साधारण लोगों को तो छोड़िए, शिव और उमा जो इस तरह से हैं उसमें ही 100 साल बीत गए तो देवता लोग घबरा गए कि अब इतना तेज या तेज इसको कौन संभालेगा। देवता लोग हाथ जोड़ के शिव को बोलते हैं कि कोई नहीं धारण कर सकेगा, इसलिए आप न लोक का धारिष्यन्ति तब तेज सुरोत्तम, हे देवताओं में श्रेष्ठ इस तेज को कोई धारण नहीं कर सकेगा। ब्राह्मण तपसा युक्तो देव्यासा तपश्चर, इसीलिए आप इस रति क्रीड़ा से अब निवृत्त हो जाइए, उमा को आप छोड़ दीजिए, इनके साथ आप रमण मत कीजिए। और ब्राह्मण तपसा युक्तो वेद विदित जो तपस्या है आप उसमें चले जाइए। ये जो आप संसार धर्म में लगे हुए हैं, संसार धर्म है ना नारी पुरुष का संपर्क, इसे आप त्याग दीजिए, नहीं तो संसार जल जाएगा। यह आपका वीर्य है। और इसमें तपस्या की शक्ति है, कोई धारण नहीं कर सकेगा। इसलिए हे देव प्रार्थना करते हैं आप अपनी इस शक्ति को उमा के अंदर मत छोड़िए। और यह हम लोग जो कह रहे हैं त्रैलोक्य हित कामार्थम तेजस तेजसी धारय, ये बहुत सुंदर श्लोक है। ये 36वां अध्याय में 11 नंबर श्लोक है। कहते हैं कि संसार के हित के लिए अपने तेज को आप अपने तेज से धारण कीजिए। बाद में तुलसीदास जी महावीर हनुमान के बारे में कहते हैं आप उन तेज समारोह आप ही, अपना तेज आप ही संभाल सकते हैं। साधारण तक क्या होता है, हम लोगों का जो तेज, हम लोग अपने तेज को नहीं संभाल पाते हैं। हम लोग सभी कैसे, जैसे गुस्सा होते हैं तो सामने वाले पर निकाल देते हैं, प्यार आता है सामने वाले पर निकाल देते हैं, तेज हम लोग नहीं धारण कर सकते हैं। कोई शक्ति हो जाए, जैसे कुछ रुपया मिल जाता है तो मोहल्ले में दिखाना शुरू करते हैं, एक गाड़ी खरीद लेते हैं, मकान बनाना शुरू करते हैं, अच्छे कपड़े पहनना शुरू करते हैं, तेज हम लोग नहीं धारण कर पाते हैं। देवता लोग शिव को बोलते हैं, यह जो आपके अंदर तेज है तपस्या के कारण और इतने दिन रति क्रीड़ा जो इसमें मन चला गया, यह आप इसको आप कोई नहीं धारण कर सकेगा, इसको एकमात्र आप धारण कर सकते हैं। इसीलिए आप अपने तेज को अपने तेज के बल पर इसे संभालिए। रक्ष सर्वान इमान लोकान ना लोकम कर तुम अरसी, लोगों का विनाश मत कीजिए, जल जाएगा, तीनों लोक जल जाएगा। शिव आशुतोष हैं, प्रार्थना किया खुश हो जाते हैं, उन्होंने कहा तथास्तु, अच्छा है चलो यही होगा। धारिष्याम हम तेजस तेज सेव सहो मया, मैं मेरी जो धर्मपत्नी उमा है पार्वती हैं इनके साथ मैं अपने तेज को स्वयं धारण करूंगा। यानी पार्वती को कोई संतान नहीं होगी, मैंने तुम्हारी प्रार्थना मान ली और यह जो मेरे अंदर जो तेज है इस तेज को मैं स्वयं धारण करूंगा। तो ठीक है, त्रिदशा पृथ्वी चैव निर्वाणम अधिगच्छतु, तो पृथ्वी आदि जो है शांत हो, चिंता की कोई बात नहीं। लेकिन अब शिव इतने दिन तक काम क्रीड़ा कर रहे थे उमा के साथ, तो कहते हैं लेकिन किसी कारण से, ठीक है मैं उमा के साथ तो कुछ नहीं करूंगा, लेकिन किसी कारण से अगर क्षुब्ध होकर के मेरा वीर्य अगर निकल जाए मुझसे तब क्या होगा, इस मैं तो इसके लिए दायी नहीं हूंगा। तो कहते हैं कि नहीं, पृथ्वी से धारण कर लेगी, लेकिन उमा के साथ अगर आप रति क्रीड़ा किए तो उस तेज को कोई नहीं संभाल सकेगा। तो कहते हैं कि इसके बाद लंबी कहानी है कि कैसे कैसे फिर शिव ने अपनी शक्ति को छोड़ दिया और उससे बहुत कुछ हुआ, सब पौराणिक कथा है। दूसरी जगह फिर कहीं पर आता है कि उसे पृथ्वी में सोने की खदान, चांदी की खदान आदि सब हो गए। लेकिन जो यहाँ पर है बहुत
जो आश्चर्यजनक चीज। अत शैल सुताराम त्री दशान इदम अब्रवीत। उमा क्रोधित हो गई, उन्होंने सुना ना कि कैसे देवताओं ने, दूसरी जगह कहानी में आता है कि शिव ने जब छोड़ दिया तो उससे फिर कार्तिक का जन्म हुआ और छह कृतिकाएं थीं, उन्होंने उसे धारण कर लिया तो एक साथ जन्म हुआ, एक ही शरीर लेकिन छह सर, कार्तिक का ऐसा ही शरीर आता है और बाद में यही कार्तिक सेनापति हुए। तो अलग अलग जगह अलग अलग तरह की कहानी आती है, लेकिन यहाँ पर जो है कि उमा बहुत नाराज हो गई, क्योंकि उमा तपस्या किए हैं, सब कुछ किए हैं, लेकिन यहाँ पर उनका चरित्र नारी चरित्र है और नारी अपनी परिसमाप्ति, अपनी पूर्णता जब वह माँ बनती है उसी में देखती है। अभी आधुनिक जो महिलाएं हैं, आजकल की महिलाएं इन बातों को नहीं मानती हैं, खैर इससे हम लोग को कोई मतलब नहीं है क्योंकि हम लोग शास्त्र अध्ययन कर रहे हैं, शास्त्र में जैसा है उसके अनुसार हम लोग देख रहे हैं कि नारीत्व और मातृत्व दोनों जुड़े हुए हैं। क्यों? क्योंकि पुरुष गर्भधारण नहीं कर सकता है, गर्भधारण एकमात्र नारी ही कर सकती है, यही उसकी विशेषता है। उसको आप कुछ भी बना दें, डॉक्टर बना दें, इंजीनियर बना दें, प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर बना दें, लेकिन गर्भधारण की क्षमता उस नारी को ही रहती है और इसीलिए मातृत्व का बहुत सम्मान दिया गया है। और नारी को जो भी सम्मान, जैसे मनु कहते हैं यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, ये सब जो कहा है इसी कारण से कहा है। अब उमा का मातृत्व असफल हो गया सदा के लिए, क्योंकि शिव उनके साथ रुद्री क्रीड़ा नहीं करेंगे। उमा नाराज हो गई, उनकी आंखें लाल हो गई और उन्होंने सारे देवताओं को अभिशाप दिया। यस्मान निवारता चाहम संगता पुत्र कामया, मैंने तो पुत्र प्राप्ति की इच्छा से ही समागम किया था अपने पति के साथ, लेकिन तुम लोगों ने इसे रोक दिया, आज से मैं अभिशाप देती हूँ तुम लोगों को कि तुम देवताओं की जो स्त्री हैं सब की सब ये वंध्या हो जाएंगी, माने संतान उत्पादन नहीं कर सकेंगी। तो पहले हम लोग देखते हैं कि पहले किसी किसी देवता का पुत्र यह है पुत्र हुआ है, लेकिन बाद में हम लोग परंपरा में देखते हैं कि किसी भी देवता को कोई संतान नहीं है, वेद में कहीं भी किसी देवता को कोई संतान नहीं है। कारण क्या है? वेद और उपनिषद में अदिति का अर्थ है जो प्राण शक्ति धारण करती है, बाद में उसको बना दिया अदिति, देवताओं की माँ है। किसी भी शक्ति को ये लोग किसी भी समय एक शरीर दे देते थे। अब शरीर देंगे तो फिर उन्हें एक साथी भी चाहिए, अगर पुरुष है तो उसे स्त्री चाहिए, स्त्री है तो पुरुष चाहिए। देवता लोग वेदों में जिनका वर्णन है, चूंकि ये कोई गुण है इन्हें स्त्री है, लेकिन बिल्कुल उस तरह से हमेशा संतान आदि होगी ऐसा नहीं है। वैसे कुछ कुछ है जैसे चंद्र बुध इन सबका उस तरह का संपर्क है, लेकिन साधारणतः हर को संतान है, उस संतान को संतान है, ऐसा हम लोग नहीं पाते हैं। आदि कवि वाल्मीकि ने इसे बहुत सुंदर तरीके से कहानी में जोड़ दिया कि कैसे शिव और पार्वती इनका जो संपर्क था, संपर्क यह संपर्क बदल गया, जहाँ पर रति क्रीड़ा होना था वहाँ से हटकर ये लोग चले आए तपस्या में। उमा खुश नहीं हुई इस बात से, उन्होंने अभिशाप दे दिया और उस दिन से देवताओं की जो पत्नी है वे निसंतान हो गई सदा के लिए। और चूंकि शिव का वीर्य धारण कर लिया था पृथ्वी ने, पृथ्वी को भी नहीं छोड़ी, पृथ्वी को अभिशाप दी कि तुम्हारे चलते मेरा सर्वनाश हुआ, तुमने धारण किया तो चलो मैं अभिशाप देती हूँ, आज से तुम किसी एक के साथ नहीं रहोगी, तुम बहुतों की भारिया बनोगी। इसलिए हम लोग देखते हैं
जब जो शक्तिशाली हो जाता है वही पृथ्वी का मालिक हो जाता है। यह भी सुंदर से पार्वती के अभिशाप से जोड़ दिया गया। तो इसलिए कहते हैं कि तू खोटी बुद्धि वाली है, तुमको भी पुत्र जनित सुख नहीं मिलेगा। चलो तान सर्वान पीड़ितान दृष्ट्वा सुरान सुरपतिस्तदा गमनाय उपचक्राम दिशम वरुण पालिताम। शिवजी देखे कि पार्वती बहुत नाराज हो गई हैं और नाराज होकर के वो जो अभिशाप दे रही हैं, सारे देवता लोग परेशान हैं, पृथ्वी परेशान हो गई है। शिव से नहीं देखा गया उनका दुख और कुछ बोल नहीं सक रहे हैं। पार्वती को बहुत प्यार करते हैं ना। शिव बिना कुछ कहे चुपचाप पश्चिम की ओर चले गए और सगत्वा तप आतिष्ठत पार्श्वे तस्योत्तरे गिरे। पश्चिम में चलते 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 हिमालय पर्वत के उत्तर भाग में एक शिखर पर पहुंच गए। हिमवत प्रवेश शिंगे सह देव्या महेश्वरः। हिमालय के बिल्कुल उत्तरी भाग में जाकर के एक शिखर पर पार्वती के साथ बैठ गए और वहीं पर तपस्या करने लगे। और तब से शिव और पार्वती दोनों एक साथ, यह हम लोग प्राय बोलते हैं कैलाश में भगवान शिव का वास है, क्योंकि हम लोग हिमालय से गंगोत्री आदि जानते हैं ना, उससे भी अधिक उत्तर में कैलाश आता है। और कैलाश पहले बहुत ही दुर्गम था, बहुत 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 दुर्गम था। इसलिए कहते हैं कि कैलाश में जाकर शिव उमा के साथ रहने लगे। कैसे? तो कहते हैं स गत्वा तप आतिष्ठत। शिव और पार्वती दोनों तपस्या में रत हो गए। तब से आज तक शिव और पार्वती तपस्या में लगे हुए हैं। और बाद में पुराने में हम लोग देखते हैं कैसे नंदी आते हैं और भृंगी आते हैं और फिर वो पार्वती गणेश को तैयार करती हैं, कार्तिक को, कार्तिक उधर है, सब मिल करके। कार्तिक तो खैर हमेशा अलग ही हो गए लेकिन इन्हीं की संतान माने गए। और साधारणतः आप देखेंगे भगवान शिव का कोई भी फोटो अगर आप देखेंगे, देखेंगे शिव तपस्यारत हैं और पार्वती के साथ भी हैं, बाद में उन्हें अन्नपूर्णा के साथ जोड़ा गया, सब कुछ है, लेकिन मूलतः शिव और पार्वती तपस्यारत हैं। हम लोग साधारणतः शिव और पार्वती को जोड़ी के रूप में बोलते हैं और जहाँ भी शादी होती है साधारणतः शिव और पार्वती को एक साथ आदर्श के रूप में रखा जाता है, आदर्श पति पत्नी। आदर्श पति पत्नी में यही है कि पार्वती नाराज होती हैं, शिव शांत हो जाते हैं, शांत रहते हैं, दूसरों की भलाई के लिए शिव सब कुछ करते हैं और एक दूसरे को पाते हैं तपस्या करके, रति कीड़ा करते हैं लेकिन बाद में तपस्या आरत हो जाते हैं। तो जब विवाह होता है, विवाह का आदर्श भोग नहीं है, विवाह का आदर्श तपस्या है। इसीलिए शिव और उमा इनको आदर्श दंपत्ति के रूप में देखा जाता है और अभी भी वे लोग कहते हैं हिमालय के उत्तर में तपस्या रहते हैं। और इसके बाद कहते हैं कैसे गंगा से कार्तिकेय की उत्पत्ति होती है इत्यादि, वहाँ से फिर सब कथा है, इसमें बहुत अधिक नहीं जाना चाहिए। फिर राजा सगर यज्ञ, इंद्र उनके यज्ञ का घोड़ा चुरा करके कपिल मुनि के आश्रम में बांध देता है, संक्षेप में कहानी कहेंगे, और वहाँ से फिर गंगा अवतरण इसकी कहानी, वहाँ से फिर अहल्या, हम लोग इसको अगले दिन